साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में ईडी की तफ्तीश लगातार जारी है, जहां बीते दिनों में पत्थर व्यवसायी कृष्णा कुमार साहा को गिरफ्तार कर रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं इस कड़ी में दो और नाम जुड़ गए हैं। कल ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पूछताछ के लिए पहुंचे ट्विंकल भगत और भगवान भगत को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं आज दोनों को पीएमएलए के विशेष कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि छुट्टी होने के कारण जज कॉलोनी में प्रक्रिया को पूरी की गई, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा कारागार भेज दिया गया। ईडी ने दोनों से पूछताछ के लिए 7 दिनों के रिमांड की मांग की है। हालांकि रिमांड अवधि पर बहस मंगलवार को होगी। ज्ञात हो कि दोनों पंकज मिश्रा के बेहद करीबी माने जाते हैं। दोनों की पहचान पंकज मिश्रा के फंड मैनेजर के रूप में होती है। इन पर यह भी आरोप है कि साहिबगंज के पतना ब्लॉक स्थित बोरना पहाड़ पर इन दोनों ने अवैध खनन किया है। वहीं करोड़ों के लेन देन मामले में भी आरोप भी है। अब मंगलवार को रिमांड आबादी पर बहस होने के बाद ईडी दोनों से पूछताछ करेगी। बात तो सही है। देखिए पैसा 8 करोड़ का, इन लोग का एलिगेशन है कि लोग पंकज मिश्रा लोग दिए थे अवैध रूप से, इसलिए लोग का रिमांड हुआ है। आज इन लोग जाएंगे जेल। आज बहस कब होगी रिमांड पर? रिमांड पे मंगलवार को होगी, ताकि जज साहब छुट्टी में है। ईडी के जो स्पेशल जज है, मंगलवार कई लोग अपना रिमांड लेने के लिए 1 सप्ताह के लिए जो पिटिशन फाइल किए हैं उस पर बहस करेंगे, फिर फर्दर ऑर्डर होगा। कितना पैसा दिया था? 8 करोड़ का एलिगेशन है, अभी ये और खुलेगा। नाम बता दीजिए आपका। पंकज मिश्रा को कितना दिया था? यहाँ पे एलिगेशन जो बता रहे हैं लोग, आप 8 करोड़ पिटिशन है, ये लोग बोल रहे 8 करोड़ रुपये का है। 8 करोड़ रुपये दिए हैं पंकज मिश्रा को? नाम किसके? अवैध माइनिंग के लिए। अवैध माइनिंग? हाँ, अवैध माइनिंग। तो पंकज मिश्रा अवैध माइनिंग करा रहे थे? अब वो हमको जानकारी नहीं, जो इलो पे आरोप है, जिस आरोप में इलो भी बंद है, वो आरोप जो लगाया ईडी वाला, वो उसका जानकारी है। आगे इलो क्या करते हैं, क्या अनुसंधान में क्या आगे आता है, क्या खुलती आता है, उसके बाद फिर निकलेगा।